हे गाइस, रत्ना किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं होली स्पेशल कांजी वड़ा। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कटोरी मूंग दाल और एक कटोरी उड़द दाल लीजिए और इसे भिगा के रख दीजिएगा। गाइस, आजकल रात भर भिगाना नहीं पड़ता, 4 घंटा भिगाओगे तो चलेगा। अब इसमें लीजिए 5-6 हरी मिर्ची, थोड़ी सी अदरक। अब इसे पीस लीजिए गाइस और इसे अच्छे से फेटिए, जैसे जो वड़े हैं ना फुल के आए। इसमें सोडा इनो डालने की कोई भी आवश्यकता ना पड़े आपको। देखिए गाइस, फेट के रेडी हो चुका है। अब इसमें नमक डालिए और थोड़ी सी हींग डालिए। अब इसे अच्छे से फेटिए गाइस। अब एक कढ़ाई लीजिए, उसमें तेल डालिए। तेल उतना ही डालिए जिसमें बड़े तल के वो हो जाए। अब देखिए गाइस, तेल गर्म हो चुका है। देखना गाइस, बिना इनो और बिना सोडा के बड़े कितने फुल के रेडी हो जाएंगे, वो भी बिना रात के भिगाए 4 घंटों के अंदर। देखिए गाइस, बड़े कितने फुल फुल के रेडी हो चुके हैं। गाइस, आप कैसे भी तल सकते हैं इसको, कोई भी शेप दे सकते हैं बड़े को, पर हमने गोली बनाया है। ये देखिए, बड़े बन के रेडी हो चुके हैं। अब इसे हम एक कटोरी लीजिए, उसे पानी में डाल के ये बड़े रख दीजिए। अब इसे साइड रख दीजिएगा गाइस। अब लीजिए एक मिक्सी जार, उसमें डालिए पीली सरसों, काली सरसों, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सादा नमक स्वाद अनुसार गाइस। अब इसे अच्छे से पीस लीजिए। देखिए गाइस, इसे पीस के रेडी हो चुका है। अब एक गंजी में पानी लीजिए, थोड़ा सा गर्म करिए, फिर ये मसाला डालिए। वैसे तो गाइस, ये पानी को 3 दिन तक रखना पड़ता है, पर मुझे वीडियो बनाने के लिए आपको तुरंत बताना पड़ रहा है। आप इसे 3 दिन रखोगे तो इसमें खटास बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी भी मिला लीजिए। तो गाइस, मुझसे गड़बड़ हो गई है, मैंने तेल डालना भूल गई हूँ। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा तेल भी डाल सकते हैं। अब ये बड़े लीजिए और वो कांजी बन के रेडी हो चुका है। इसमें डाल के आप भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए, इंजॉय करिए। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय गाइस, हैप्पी होली।